अरे ठीक बा पढ़ला। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जी भैया। हम कहानी के डिजिटल जमाना में ये हतरा छोट लड़की लिपसिंग कैसे देती है, एक्सप्रेशन कैसे देती है, मुझे कुछ पल के लिए लगा कि कंप्यूटराइज एकरा के छोड़ दे बड़ा सही दुनिया बड़ा लगी। अब ऐसा शूटिंग होता हर हर करके कि हमारा ट्रेलर रिलीज भइल बा, सबके प्यार बरस रहल बा, पिक्चर आवता, प्यार बरसावे की आप सबसे रिक्वेस्ट होता कि बरसाई जा प्यार, आशीर्वाद मिले, तो ओकरा एमे अच्छाई कुछ ना लौकल है। एक चीज के बारे में बोलना था कि हेजा हाउ धइल बा कई किसी में अरे ठीक बा पढ़ला। तो आप सब से निवेदन बा बेटा, हमारे भाई जो हमारे भैया है, जो हमारे चाचा है, यूट्यूब कोई भी चला सकता है, न्यूज कोई भी बना सकता है। अच्छा अच्छाई की रोटी खाओ यार, किसी के बारे में फालतू बोल के कितना दिन खाओगे। सही बात है भैया, अच्छा न्यूज बनाइए, अच्छा अच्छा काम करिए, अच्छा बात करिए, आगे बढ़िए, मस्त रहिए जीवन में, और कोई ये नहीं है उसके लिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। भैया तीन साल की एक बच्ची वायरल हो रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरा छोटा भाई है सरगम, बहुत अच्छा म्यूजिक बनाता है। अभी अगर गाना एक छो आप लोग बहुत कम दिन में 150 मिलियन प्लस हो गया। भैया तीन साल के एक हमारे सरगम भाई के लिए एक गाली हो जाए, और इसने बहुत अच्छा प्रयास किया है, इतना सुंदर एक तो देवी गीत बनौले बा हमारे भाई, जो हमारे छोटे भाई सोनू जी हैं, सोनू यादव जी मेरा लाडला भाई है, मेरा दुलारा भाई है। इनकर नायक फिल्म्स के नाम से यूट्यूब चैनल चलेगा, आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार और आशीर्वाद दीजिए। लव यू मेरा भाई, मस्त रहो हमेशा जीवन भैया, खूब आगे बढ़िया। तीन साल के पहले तो हम अगर हम बाइट सब देखनी जी भैया हम कहानी के डिजिटल जमाना में ये हतरा छोट लड़की लिपसिंग कैसे देती है, एक्सप्रेशन कैसे देती है, मुझे कुछ पल के लिए लगा कि कंप्यूटराइज एकरा के छोटा दल बड़ा सही दुनिया बड़ा लगी, लेकिन नहीं इंटरव्यू भैया वायरल हो रहा है उसका, और आपसे मिलने का जिज्ञासा दिला रही है। बिल्कुल मिला जाएगा, ये मेरा सौभाग्य होगा कि उस बच्चे से हम मिल पाएंगे। ठीक है भैया, भैया संघर्ष 2 को लेकर के क्या आप थिएटर में भी जाएंगे? अरे संघर्ष सॉरी हर हर गंगे को लेकर के क्या थिएटर मैंने क्या बोला आपने सुना क्या? मैंने क्या बोला आपने सुना क्या? मैंने क्या बोला कि चाहे फीमेल स्टार हो या मेल स्टार हो, केहू के अगर अच्छा मेहनत पाओ के आप लोग आशीर्वाद देंगे, अपन प्यार बरसाई जाए। बिल्कुल हमारे छोटे भाई की फिल्म है जिसका नाम है खेसारी लाल यादव। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री का सुपरस्टार है, लाडला है, प्यारा है, दुलारा है, ठीक है, ट्रेंडिंग स्टार है, ठीक है, और आप पावर स्टार ब्रेकिंग है। हमारे भाई की फिल्म आ रही है संघर्ष 2। बिल्कुल मैं आप सब के बीच में बोल रहा हूँ, कहाँ खड़ा होना है संघर्ष 2 के लिए सबसे पहले। मैं हमेशा चाहूंगा मेरे भाई की फिल्म चले, धूम मचा दे, आप लोग सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको आगे बढ़ाइए, मस्त रहिए। एक चीज छूट रहा था, मैं ऐसे ही आपसे बोला कि क्या छूट रहा है, क्या भूल रहा हूँ, इस फिल्म में हमारे हर हर गंगे फिल्म में पवन सिंह के साथ साथ
मेरा छोटा भाई, हम सब के सुपरस्टार, आप सभी के सुपरस्टार, मेरा तो हमारे कल्लू भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छा काम किया है मेरा बाबू इस फिल्म में। कल्लू बेटा एकदम छा जा, गर्दा गर्दा मचा दो। स्मृति सिन्हा आरोप लगा रही है कि हमको जगह नहीं दिया गया फिल्म में, ट्रेलर में जगह नहीं दिया गया, पोस्टर में जगह नहीं दिया गया। आप कभी फिल्म नहीं आई नजर आ रही थी, एक इंटरव्यू में कह रही थी पवन सिंह के साथ कभी फिल्म नहीं आएगा। डायरेक्टर से सुन 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 सुन, अच्छा एक बात बताओ कि ट्रेलर हम काटने गए हैं? नहीं नहीं, ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े स्टार हैं। स्मृति सिन्हा जी सुपरस्टार नायिका है, उन्होंने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है और आप सबका आशीर्वाद उन पर बरसे। आप लोग इतना उनको अपना आशीर्वाद दें कि वो हमेशा छाए रहे। और आगे कुछ सुनना चाहते रहे कुछ भैया? सर से बोल, फिर से बोल। सर ये पैन इंडिया फिल्म बन रही है क्या? पांच भाषा में कहा जा रहा था कि ये फिल्म रिलीज होगी लेकिन एक ही भाषा में रिलीज हो रही है। एक कहीं देने पाँचों हो जाए तो फिर मैंने ठीक रही बारी बारी से आपको के अंदर जो जो भैया इस फिल्म का बिहार में प्रमोशन कीजिएगा, हॉल तक बिल्कुल किया जाएगा। हमेशा आरोप लगता है कि भोजपुरी सुपरस्टार सिनेमा हॉल तक नहीं जाते फिल्म के प्रमोशन के लिए, तो आप जाएंगे सिनेमा हॉल तक भैया? सॉरी भैया, सवालों मन सुन के नीक लगे। लोकसभा चुनाव लड़िए, लोकसभा चुनाव आरा से चुनाव लड़ने की आपकी बात की जा रही है। ये क्या है, मैं शुरू से चाहता हूँ कि मैं कटाक्ष ना बोलूँ ना हमसे बुलवाओ यार। मैं सबका सम्मान करता हूँ। रही बात जहाँ तक चुनाव लड़ने की, तो हम देखिए हम नायक हैं, हम गायक हैं, अभिनेता एक्टिंग करता है, गायक जो बात हूँ आप सबके आशीर्वाद से तनिक थोड़ा बहुत हम गा ली। आगे पार्टी के अभी हमने के कहाँ खड़ा बनी जा, महाराज जी के छत्र छाए में हमने के खड़ा बनी जा। इतना सुकून के साथ हम लोग यूपी में शूट कर रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं कि गिनियों कोना में हम लोग जाके जिधर डायरेक्टर को लगता है कि हाँ भैया मेरा यहाँ सीन अच्छा हो बिल्कुल करिए। आज देखिए हम लोग बिंदास शूट कर रहे हैं, कितने सालों से शूट कर रहे हैं यूपी में, इतना आनंद आता है। और यहाँ के जो हमारे बड़े भैया महानायक सुपरस्टार, उनका खाती कम बा हमारे बड़ भैया रवि किशन जी, भैया इस होटल में भी आए थे कि बाबू तोर भैया यहाँ बा, कोनो दिक्कत हुई तो बताई है। मैंने बोला थैंक यू सो मच भैया, और थैंक यू सो मच का हमारे बड़ भैया हमें, मैं उनका छोटा भाई हूँ, कम से कम बड़ा भाई आके पूछा तो कि हाँ बाबू देखना कोई दिक्कत ना हो, कोई बात हो तो बताना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। सर तो रही बात चुनाव लड़ने की, तो बिल्कुल हमके वहाँ से आदेश आई कि पवन तुमको चुनाव लड़ना है तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। भाजपा नेताओं से मिलने की आपकी तस्वीरें आ रही है भैया, क्या पार्टी क्या फैसला कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ कि हम पार्टी हमारी तो मिली ना। ए भाई जान, क्या पार्टी से क्या आदेश? और जब ना आदेश भी कौन तरह सामने रहे वो तो छुपी ना कौन भी होगा वो सामने होगा। सर ये फिल्म सर ये आरा क्या लाइफ में कभी रवि किशन जी अपोजिट आपके विलन और फिल्म के हीरो रहेंगे? साउथ में उन्होंने इतना कमाल किया है, हम चाहते हैं कि लाइफ में पहली बार आपके साथ रवि भैया को फिल्म देखें और आपको हीरो। भैया योद्धा में काम किए हुए हैं, योद्धा में हमारी फिल्म योद्धा आप देखें फिर वही सवाल कर रहे हैं। अच्छा देखो जो भी है, इस लड़के ने ये सवाल किया, रवि भैया दो तीन दिन पहले आए थे यहाँ पे, तो मैंने उनसे इच्छा जाहिर किया कि भैया मेरे मन में अचानक से एक बात आया, एक फिल्म हम लोग बनाते हैं। क्या बात है रे वाह, अरे सुन पहले
एक फिल्म हम लोग बनाते हैं जिसमें या तो हम हीरो रहे आप विलेन रहे, नहीं तो आप हीरो रहे मैं विलेन रहूं। तो मैंने ये इच्छा जाहिर किया है। देखिए बात बनती है, भैया ने अगर हामी भरा, हम दोनों भाई का सोच अगर मिल गया तो जरूर इस टाइप की हम लोग एक फिल्म करेंगे। क्या बात, भैया भैया एक सवाल था, भैया भैया सर भैया सर 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 प्लीज सर भैया एक सवाल सर, हमारे प्रिय मित्र दीपक सिंह जी और हमारे हमारे राजनीतिक दल के सहयोगी संतोष सिंह जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और हमने मुझे सबका आशीर्वाद मिला मिल रहा है और आप सबके सामने मेरा छोटा भाई गौरव पीछे खड़ा है, मेरा भाई बहुत मेहनत करता है हर तरीके से, जब भी पवन सिंह गोरखपुर में आता है मेरा।